मैं हूं वंदना शर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस की बात प्रोग्राम। भारत चीन सीमा विवाद का असर दोनों देशों के बीच होने वाले कारोबार पर भी पड़ा है। भारत ने कई कारोबार मोर्चों पर चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है। वहीं देश में चीन के सामान के बहिष्कार की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल भारत के स्टार्टअप में चीन का निवेश कई गुना बढ़ गया है। ग्लोबल डाटा के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 साल के दौरान देश की नई कंपनियों में चीन की कंपनियों के निवेश में करीब 12 गुना वृद्धि हुई है। 2016 में भारतीय स्टार्टअप में चीन की कंपनियों का निवेश लगभग 2,800 करोड़ रुपए था, जो साल 2019 में बढ़कर लगभग 32,000 करोड़ रुपए हो गया। ग्लोबल डाटा के मुताबिक वृद्धि के लिहाज से अच्छी संभावना वाले ज्यादातर यूनिकॉर्न या स्टार्टअप को चीनी कंपनियों और वहां के पूर्ण रूप से निवेश इकाइयों का समर्थन है। आपको बता दें कि यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप को कहा जाता है जिनका मूल्यांकन $1 अरब या उससे ऊपर है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ग्लोबल डाटा आर्थिक मामलों पर आंकड़े और विश्लेषण उपलब्ध कराती है और निवेश करने वाली चीन की कंपनियों में अलीबाबा और टेंसेंट प्रमुख हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की कई तकनीकी कंपनियों और स्टार्टअप्स में चीन ने जमकर पैसा लगाया है। टिकटॉक का ही उदाहरण ले लीजिए। चीनी कंपनी बाइटडांस के ऐप टिकटॉक ने लोकप्रियता के मामले में भारत में यूट्यूब को पीछे छोड़कर भारत के शीर्ष ऐप में शुमार हो चुका है। शाओमी मोबाइल्स का एकाधिकार सा होता नजर आ रहा है और दक्षिण कोरियाई की कंपनी सैमसंग पीछे छूट चुकी है। वहीं हुआई के राउटर्स को भी खूब यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूज़र हैं और हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, इससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।